राष्ट्रवाद के जरिए पूरे देश को बता दीजिए। सर हम आपको बता रहे ना, हम खुद बता देते हैं। हमने खुद सोचा था अपने आप में कि मेरे जिस दिन 10 मिलियन हो जाएंगे हम बता देंगे। हर इंसान की अपनी कुछ ख्वाहिश होती है, लेकिन उससे पहले कोई तांडव कर देगा तो कोई हलक में मुंह डाल के नहीं ना निकलवाएगा। तो और जिनको लगता है कि मेरा नाम खान साहब, मैं ये समझू कि ये पॉपुलर होने का एक तरीका भी है कि 10 मिलियंस हो जाएंगे तो खान साहब इस रहस्य से पर्दा उठा देंगे कि साहब मेरा नाम अमित सिंह है या फैसल खान है या क्या है। सर देखो, देशद्रोहियों तुम्हें मैं समझा दे रहा हूँ। ये जो खान सर का जो मामला चल रहा है वो 1 करोड़ सब्सक्राइबर बनाने का मामला चल रहा है, उसके बाद ही बताएंगे कि मैं फैसल खान हूँ। अभी तो उन्होंने इशारा में तो बता दिया है, अब तुमको समझना है कि वो फैसल खान है कि क्या है। लेकिन हकीकत में वो फैसल खान ही है, इसलिए मैं सभी उनको ट्रोल करने वाले देशद्रोहियों को बता रहा हूँ कि वो फैसल खान है और उनको ज़्यादा ट्रोल नहीं करो। अरे बहुत अच्छा टीचर है भाई। कि आपका नाम क्या है? फैजल खान आपका नाम है, अमित कुमार सिंह नाम है या फिर क्या है? सिंह महाराज ये कहना है कि मेरा नाम हमें लोग अमित सिंह कह के बुलाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा नाम अमित सिंह है। ये जो दूसरा नाम आ रहा है फैजल खान, ये सही है? लगभग सही है। असली में नाम क्या है? असली तो हम यही जानते हैं फैजल खान। फैजल, हाँ फैजल खान। और ओरिजिनल सिवान के रहने वाले हैं, उसके बाद गोरखपुर में चले गए। उनके फादर नेवी में है, वो मिलिट्री में जाने का बहुत इंटरेस्टेड थे, समझे। क्या फर्क पड़ता है कि वो इस्लाम को माने या ना माने? नाम रखने से कोई खान से खान हो थोड़े हो जाएगा। अरे इस्लाम को मानने से ना इस्लाम वाला बनता है। इसलिए आप लोग क्या करें, खान सर से अगर एजुकेशन ले रहे हैं तो एजुकेशन ले, उनके जाति धर्म पे मत जाएं। भले ही वो इस्लाम की बातें अच्छी तरह ना जाने हो और दूसरे धर्म की बात को वो अच्छी तरह जानते हो, तो ये सब वो नास्तिक भी तो हो सकते हैं ना भाई, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? रहने दो, कोई भी हो, खान सर फैसल खान हो या अमित सिंह हो, लेकिन उन्होंने तो इशारों में बताया कि मैं फैसल खान हूँ। आप इस वीडियो को देख लीजिए, सरफराज सैफी भाई जी हिंदुस्तान के कद्दावर एंकर, उनके सवालों से वो बच नहीं सके सरफराज सैफी भाई के। और पर्सनली मैं सरफराज सैफी भाई को जानता हूँ कि वो उनको अपने सवालों में घेर लिया। तो खान साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। खान सर आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी सर आवाज जा रही है, मेरी आवाज जा रही है? हाँ जी मुझे मिल रही है। मैं खान सर आपको सलाम करूं या नमस्ते करूं, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पे इसके इर्द गिर्द मिल रही है, पहले इसका जवाब मुझे आप दे दीजिए। सर ना आप हमें सलाम कीजिए ना हमें नमस्ते कीजिए, आप हमें जय हिंद कहिए, हम इस देश के हैं, देश के लिए बोलते हैं। नहीं देश के लिए तो आप हैं, लेकिन आपकी पहचान क्या है वो समझना बेहद जरूरी है ना सर। देखिए हम खान मेरा टाइटल है, खान मेरा नाम नहीं है, हमने यही बोला। पूरा नाम क्या है सर? देखिए हम आपको बताते हैं, अगर आप किसी से उंगली करके उसको जबरदस्ती करके कहिएगा तुम नाम बताओ, तो उसको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि आप उसको डरा रहे हैं। बिल्कुल, हमने खुद बोला था आज से 1 साल पहले कि कुछ लोगों ने कहा था आप नाम बता दो, तो उस समय लॉकडाउन चल रहा था, तो कुछ दोस्तों ने कहा कि तुम आराम से रहो ना, नाम से क्या मतलब है। तो वैसे भी हम जब क्लास स्टार्ट करते हैं तो जय हिंद बोल के आते हैं, पूरा बोल के चले जाते हैं। आप बोलिए कैसा लगेगा कि हम रुक के बोले कि मेरा नाम खान सर, हम तो नीचे लिख ही देते हैं खान सर। आप बताइए मोदी जी का नाम मोदी है, उनका तो पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। अगर आप पूछिएगा आपका नाम मोदी है तो वो क्या कहेंगे, मोदी तो मेरा टाइटल है, नीरव मोदी भी होता है, ललित मोदी। खान सर, खान सर आपका जो सारा विवाद है सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, चूंकि आप खुद बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं और इसीलिए हमने 9 बजे आपको बुलाया, चूंकि ये राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद के जरिए हम राष्ट्रहित के मुद्दों को उठाते हैं। मेरा मकसद यही है आपसे जानने का कि आपका पूरा नाम क्या है, चूंकि ये जो विवाद चल रहा है इस विवाद को आप ही खत्म कर सकते हैं। हम तो कह सकते हैं ना कि एक एक वीडियो में ना जैसे क्या होता है कि जब लड़के पढ़ने आते हैं, जब उनका बैच खत्म होता है ना, तो वो सोचते हैं कि सर से मिल के जाएं, एक यादगार लेके जाएं, तो वो पूछते हैं सर आपका नाम क्या है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि हम शुरू से ही नाम नहीं बताए, तो एक ऑकवर्ड सा फील होता है। कोई जैसे आज बता दीजिए, राष्ट्रवाद के जरिए पूरे देश को बता दीजिए। सर हम आपको बता रहे ना, हम खुद बता देते हैं। हमने खुद सोचा था अपने आप में कि मेरे जिस दिन 10 मिलियन हो जाएंगे हम बता देंगे। हर इंसान की अपनी कुछ ख्वाहिश होती है, लेकिन उससे पहले कोई तांडव कर देगा तो कोई हलक में मुंह डाल के नहीं ना निकलवाएगा। तो और जिनको लगता है कि मेरा नाम खान साहब, मैं ये समझू कि ये पॉपुलर होने का एक तरीका भी है कि 10 मिलियंस हो जाएंगे तो खान साहब इस रहस्य से पर्दा उठा देंगे कि साहब मेरा नाम अमित सिंह है या फैसल खान है या क्या है। देखिए सर आपका आपने आप मुसलमान हैं या फिर आपका नाम जो है आप प्रूफ
करेंगे तो एक इंसान होना चाहिए जो ऑथराइज हो इसके लिए। हम आपसे कहेंगे कि एक काम कीजिए, आप अपने जमीन का कागज दिखाइए, तो आप हमें नहीं दिखा देंगे। इसके आधार पर हम ये कहेंगे कि ये मकान आपका नहीं है, ये गलत बात है। रही बात कि मेरा नाम अमित सिंह है, तो जिनको लगता है कि मेरा नाम अमित सिंह, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए या उस ऑथराइज पर्सन के पास जाइए, हम वहां दिखा देंगे। आपके चैनल पे हम बता रहे हैं कि 4 जून को मेरा अमेरिका में यूएस में भारतीय लोगों के लिए एक लेक्चर होने वाला है, जहां हम बताएंगे कि भारतीय लोग जो अमेरिका में बसे वो किस तरह से इस देश के काम आ सकते हैं। तो वहां से उन लोगों ने कहा कि सर यूएस एम्बेसी आपका ओरिजिनल नाम मांग रहे हैं। हमने उन्हें अपना ओरिजिनल आधार कार्ड पैन कार्ड दे दिया। एक ऑथराइज पर्सन है ना यूएस एम्बेसी। अब आप पता चलता है कि सड़क छाप कोई हमको रोक के पूछे, ए सुनो अपना नाम बताओ, क्या हम नाम बताते चलेंगे? अब यही काम बच गया है। एक बराबरी भी तो होना चाहिए ना। अच्छा खान सर, आपका पूरा नाम क्या है, पूरा नाम क्या है ये तो बता सकते हैं आप हमारे दर्शकों को? सर हमारा खान टाइटल है। जब इतना कोई मतलब वो टॉर्चर कर देगा, अभी हम बताएंगे तो आपको लगता है, पता है कि हम आपको एक बात बताते हैं। हाँ जी। एक मानसिकता होती है, जैसे इजराइल जब फिलिस्तीन पर हमला कर रहा था, ये सारा उस पर भी हम बात करेंगे खान साहब, उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि कम से कम मुझे ये पता चल जाए। नाम की ही बात को बता रहे हैं। एक मिनट सर, जैसे मेरा नाम सरफराज है, सरफराज सैफी है, मुझे दुनिया जानती है कि मेरा नाम सरफराज सैफी है, मैं एक राष्ट्रवाद शो करता हूँ, जी हिंदुस्तान का एंकर हूँ। इसी तरीके से मैं, यू कंफ्यूजन बना हुआ है कि आप अमित सिंह हैं या फैसल खान हैं या कोई भी हैं, आपका पूरा नाम क्या है, मैं सिर्फ आपका नाम जानना चाहता हूं, फिर मैं बातचीत शुरू करूंगा आपसे। मुझे ये नहीं है कि आप क्या हम जानबूझ के ये खत्म नहीं करना चाहते हैं, ताकि इन लोगों के ऊपर से पूरा पर्दा हट जाए, जो धर्म का चोला ओढ़े हैं उनके ऊपर। जब ये लोग पूरी तरह से पूरी दुनिया में फैला देंगे कि ये अमित सिंह है, तब ना हम बताएंगे कि भैया हम ये नहीं है। अभी बता देंगे तो विवाद खत्म ही नहीं होगा। पतंग इसके पीछे राज क्या है? आपने बताया कि आपके 10 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे, मैं बता दूंगा कि साहब मेरा नाम ये है। हम बता देंगे, ये आपका टारगेट है? ये टारगेट नहीं, हम बच्चों से जो कहें आप बताते हैं। हम आपको एक इंसान को आप जबरदस्ती कर, हम आपसे कहेंगे कि आप जमीन का कागज दिखाइए, नहीं दिखाएंगे ना जबरदस्ती। मैं तो आपसे मांग नहीं रहा हूं, चूंकि हम लोगों को बातचीत करनी है। जैसा मैंने कहा कि मेरा नाम सरफराज है, आप बोलिए सरफराज सैफी आप मेरा नाम है, तो ऐसे ही आपका नाम भी होगा। आप पीटी उषा का पूरा नाम बताइए तो। क्या चीज? पीटी उषा बहुत अच्छी धावक थी, रेसर। मेरी बात सुनिए, हम लोग यहाँ आईएएस या आईपीएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, यहाँ आप मेरे मेहमान हैं और मैं आपसे सिर्फ इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। हमारा जिस दिन हम आपने बताया मेरा नाम अमित सिंह नहीं है। अच्छा मुझे देखिए, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा सवाल यह है कि आपकी माताजी घर में होंगी, आपके पिताजी घर में होंगे, आपके बहन भाई घर में होंगे, वो आपको खान सर के नाम से पुकारते हैं या कुछ और नाम है आपका? भैया। अच्छा, भैया के नाम से पुकारते हैं। सर हम आपको बताते हैं, हम इस चीज को खुद चाहते हैं कि हम बता देना, और हम बता देंगे, बहुत जल्दी बता देंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन खराब इतना कंफ्यूजन क्यों? इतना कंफ्यूजन क्यों? चलिए घर वाले नहीं बता रहे, जो आपके दोस्त होंगे वो तो कुछ बोलते होंगे आपको। मेरा नाम सबको पता चला है, जो बात है बस हमको उसको बस एक्सेप्ट कर लेना है। अरे भाई आप नहीं समझ रहे खान साहब, आप नेशनल टेलीविजन पर है, इतने बड़े शो में आपको मौका दिया जा रहा है, क्योंकि इतना सोशल मीडिया पर इतना सीन क्रिएट हो रहा है, मैं तो आपको मौका दे रहा हूं कि आप पूरी दुनिया को बताइए। पूरी दुनिया इस वक्त आपको देख रही है, पूरा देश आपको देख रहा है। हम यही कह रहे हैं ना, पूरे देश को हम यही कहना चाहते हैं, जो लोग खान सर के नाम पे कल फक्र कर रहे थे, जब उन्हें अचानक पता चला कि हमने मजाक में बोला, बच्चों को हंसी मजाक में, यार छोड़ना तुम, हमको तो लोग अमित सिंह भी बुलाते हैं, तो उन लोग को हम उनके लिए कलंक हो गए। सेकुलरिज्म का पूरा मतलब बेहतरीन एग्जाम्पल दे दिया इन लोगों ने। कल तक जो हम इनके लिए मिसाल बनते थे, आज इनके लिए कलंक बन गए। आखिर ऐसा क्यों? तो हम इनकी सफाई देंगे? आप बताइए, हम इनको सफाई दें? जनता की आवाज आप तक इनका न्यूज पोर्टल है, आप उसको ज्यादा से ज्यादा देखें, और इनका जो यूट्यूब चैनल है उसको आप इसी तरीके से प्यार दीजिए, और सच्चाई आप तक ये लाते हैं जिस तरीके से ये ग्राउंड पर मुझे मिले हैं, और इनके अंदर जज्बात है काम करने का, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और इनके जो तमाम फैंस हैं उनसे भी अपील करता हूँ कि इनके चैनल को, जो यूट्यूब चैनल है उसको देखें और ग्राउंड की हकीकत इनको देखें। थैंक यू सो मच आप मुझे मिले, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ अब तक को, और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।